डियर व्यूवर्स आज मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर वन फोर यू के जी वी शैल स्टार्ट ओके पेरेंट्स हम लोग इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए कोई भी वर्कशीट बना सकते हैं उनको पुराने भी आप रिविज़न करा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर जैसे यूनिट वन से लेकर अब तक का जितना हमने पढ़ा है सिलेबस यू थ्री तक मैंने आपके लिए वर्कशीट बनाई ओके क्वेश्चन नंबर वन राइट द नंबर्स नेम यानी मतलब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिया है इनका नंबर्स नेम लिखना है यानी स्पेलिंग में जैसे फोर थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री का स्पेलिंग क्या होते हैं एफ ओ आर टी वाई फोरटी टी एच आर डबल ई फोर्टी थ्री जैसे यहाँ पर सिक्सटीन एस आई एक्स टी डबल ई एन सिक्सटीन इस तरह से हमें लिखना है अब इस तरह से बच्चों लोग को बहुत सारे नंबर का नेम स्पेलिंग करा सकता ओके क्वेश्चन नंबर टू राइट द नंबर्स डैट्स कम बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर अब मैंने क्वेश्चन नंबर टू में बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर बिफोर बिटवीन और आफ, आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है हमने बच्चे लोग यू वन और यू वन में पढ़ा चुके बिफोर मतलब जो नंबर इसके पहले आ चुका है यानी ट्वेंटी से पहले क्या कौन से नंबर है बिफोर मतलब ट्वेंटी के पहले कौन से नंबर है वो यहाँ पर हमें लिखना है जैसे ट्वेंटी से पहले कौन सा नंबर है वन नाइन नाइन्टी ओके बिटवीन मतलब इस दो नंबर के बीच में कौन से नंबर है बिटवीन मतलब फोर्टी एट जगह खाली है फिफ्टी तो फोर्टी एट और फिफ्टी के बीच में क्या आता है फोर्टी नाइन ओके आफ्टर मतलब इस थर्टी की बात कौन से नंबर है थ्री जीरो थर्टी थर्टी वन आप इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं और उसमें मतलब आप बहुत सारे चीज़ चीज़ लेकर ला आ सकते जैसे मैं आपको बताऊंगी ओके दिस इज़ स्केच कलर यह है ब्रिंजल कलर ब्रिंजल कलर की बिफोर में कौन से कलर है उससे पहले कौन से कलर है ब्राउन कलर ओके okay. ब्राउन और ग्रीन कलर के बीच में कौन से कलर है ब्रिंजल कलर अच्छा ब्रिंजल कलर की बात कौन से कलर है ग्रीन कलर इस तरह से बच्चों लोग को कॉन्सेप्ट करा सकते ओके क्वेश्चन नंबर थ्री राइट एडिशन एंड सेपरेशन फैक्ट्स फैक्ट फॉर इच नंबर वन हैज बीन डन फॉर यू मैंने एक आप लोग के लिए करा चूकी यहाँ पर नंबर एट एट मतलब ऐसे नंबर्स करना है प्लस भी कर सकते और माइनस भी भी कर सकते जैसे फाइव प्लस थ्री एड होता है टेन माइनस टू एड होता है सेवन प्लस वन ऐट होता है सिक्स प्लस टू एट एलेवन माइनस थ्री एड होता है इस तरह से हमें करना है मैं एक आपके लिए कराती हूँ यहाँ पर जैसे सेवन सेवन थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन होता है ओके okay. एट माइनस वन कितना होता है सेवन होता है इस तरह से आपको कराना है बच्चों लोग को एडिशन एंड सेप्रेक्शन का पता दूसरा हम कौन से बता सकते हैं आप बच्चों लोग को एडिशन या सेप्रेक्शन का बहुत सारे आप कलर ले सकते हैं ओके अब अगर आपको सेपरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप बच्चों को बच्चों को बताओ कि यहाँ पर कितना कलर है काउंट करने बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड ओके टके कलर हो गया अगर हमने इसमें से तीन कलर को हटा दिए साइड में रख दिए अब हमारे पास टोटल कितना कलर है ये सप्रेक्शन का कॉन्सेप्ट है अब हमारे पास कितना कलर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल कितना कलर हो गया ये ओके अब हम एडिशन के कलर किस तरह से समझा सकते बच्चे लोग को अब मेरे पास कितना कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कलर है सिक्स में हम और टू कलर्स ऐड करेंगे कितना कलर हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल कितना कलर हो गया एट कलर इसी तरह से आप ये कॉन्सेप्ट ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चों को आप करा सकते हैं। ओके मैच द मंथ्स विथ इट्स करेक्ट ऑर्डर इन अ ईयर बाय ड्रॉइंग अ लाइन मैंने यहाँ पर दो आपके लिए करा चुकी मैंने यहाँ पर मेहनत दिया है यानी जैसे हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनको ऑर्डर पे करेक्ट ऑर्डर पे इनको अपने नंबर से मैच करना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको कर चुकी हूँ जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है तो मैंने इससे मैच किया फरवरी सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर है सेकेंड से किया मार्च कौन से वाला है थर्ड थर्ड से किया इस तरह से आप मैथ्स का भी दे सकते हैं वीक्स का भी दे सकते आप बहुत तरह से आप बच्चों लोग को समझा सकते हैं कि कितना महीना है हमारे पास कितना मंथ्स है कितना डेज ऑफ द वीक्स है ओके पेरेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग ड्रॉ किया हुई तो उसमें मैंने आपको एडिशन का सम बच्चों को समझाना है मैंने अभी आपको बता चुकी हूं यहां पर मैंने कितना एप्पल बनाया है फोर एप्पल बनाया है तो यहां पर हमें बॉक्स में कितना लिखना है फोर कितना लिखना है फोर ओके प्लस यहां पर कितना है टू टू ओके टोटल कितना हो गया फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से आपको सिक्स लिखना है ओके okay? आप मैंने यहाँ पर दो तीन आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ आप इस तरह से आप बच्चों लोग को एग्ज़ाम्पल दे के पढ़ा सकते क्वेश्चन नंबर सिक्स है सेपरेशन। एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइड इन ओके मैंने यहाँ पर कुछ वापिस से कुछ इमेजेस ड्रॉ क्यों यहाँ पर हमने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव आपने मैंने बटन ड्रॉ क्यों उसमें मैंने एक को कट किया है ओके okay. हमारे पास फिर पहले टोटल कितना था फाइव था फाइव में से एक कट हो गया तो कितना बचा वन टू थ्री फोर कितना बचा फोर इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते लास्ट क्वेश्चन कलर आइडेंटिफाई कर सकते बच्चों लोग इसी तरह से कलर द गिवन पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर कोड इसने एक तो बच्चों लोग को शेप समझ में आएगा कि कौन सा सर्कल है कौन सा ट्राइंगल है कौन सा स्क्वायर है एंड कौन सा रेक्टेंगल है एंड कौन सा हॉर्जेंगल इस तरह से हमें कलर करना है मैंने यहाँ पर कुछ कलर कोड दिया है जैसे सर्कल को आपको रेड करना है स्क्वायर को आपको ग्रीन करना है रेक्टेंगल को आप येलो करना है ट्राइंगल को आप ब्लू करना है एंड जो ये न, ये शेप है उसको आप पिंक करना है इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते और आपका पुराना भी रिवीजन करा सकते और अभी का जो हम न्यू सिलेबस थ्री का जो सिलेबस करा रहे हैं वो भी करा सकते ओके थैंक यू वेरी मच